हिमाचल प्रदेश में बीते 5 साल में मानसून ने इस बार सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। 2018 के बाद पहली बार इस वर्ष बारिश में 1,721 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति तबाह हुई। चिंता इस बात को लेकर है कि मानसून का अभी लगभग एक महीना बचा हुआ है। 2018 में सबसे ज़्यादा 1,578.8 करोड़ का नुकसान मानसून सीजन में हुआ था। लोक निर्माण विभाग का सबसे ज्यादा 940.27 करोड़ रुपए, बिजली बोर्ड को 5.62 करोड़ का नुकसान आका गया। मानसून से पहले सूखे ने भी इस बार भारी नुकसान पहुंचाया है। अब बारिश कहर बनकर बरस रही है। इस बार मानसून में आई आपदाओं में जान गंवाने के लिहाज से 2022 बीते साल से बेहतर रहा। 2021 में 476 लोगों की जान गई थी, इस बार 270 लोगों की मौत हो चुकी है। 47 सड़क दुर्घटना में 149 की मौत, फ्लैश फ्लड की 65 घटनाओं में 5 की मौत, भूस्खलन की 75 घटनाओं में 19 की मौत, बादल फटने की 12 घटनाओं में 3 की मृत्यु, डूबने की 12 घटनाओं में 30 की मौत, पेड़ व पहाड़ गिरने से 35 घटनाओं में 35 की मौत और अन्य 29 कारणों में 39 की जान गई है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।